गुड मॉर्निंग गाइस, अभी है डे टू और हम लोग निकल रहे हैं प्रयागराज से उत्तराखंड हल्द्वानी के लिए। और मेरे पीछे है यमुना गंगा का संगम और ये होटल के बाहर का व्यू है। तो अभी हम थोड़े से पास जाके से और ज़्यादा देखेंगे। हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, अभी 5:30 हो रहा है तो 6 o'clock स्टार्ट करते हैं जर्नी। और होप सो कि हम शाम को 5 o'clock और 6 o'clock पहुँच जाए। तो हमारा लास्ट डे है नरेश की नानी के घर जाने के लिए। फाइनल भी हम दादी के घर से नरेश की नानी के घर जाने वाले हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। नरा उठ गया है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मॉर्निंग में उसको नंगे पैर हमने छोड़ दिया वॉक करने के लिए। मौसम बहुत अच्छा है, वहाँ पे घाट है, दूर जगह घाट है। कार से देखते हुए जाएंगे। ये हमारे होटल का बाहर का व्यू है, बहुत बड़ा होटल है। इसको ये गवर्नमेंट होटल है और अच्छी फैसिलिटी थी, कोई बुराई नहीं थी, ओवरऑल बढ़िया था, स्टाफ अच्छा था। तो ये जर्नी भी हमारी अच्छी रही। अब लास्ट घर फाइनली। गुड मॉर्निंग गाइस, हम इलाहाबाद से निकले हैं 6 बजे, अभी हो रहे हैं 6:10। टारगेट था कि हम निकलेंगे 5 से 5:15, 5:30 तक, बट फिर भी हम लेट हैं। वट एवर टाइम यू से शहर खूबसूरत है, शहर अच्छा लगा। मोर ओवर वैसे भी हिस्टोरिकल सिटीज़ आर ऑलवेज ब्यूटिफुल, यू नो, यू गेट कनेक्टेड विद इट वेरी सून। और वैसे ही इलाहाबाद से भी कनेक्ट हुआ, या प्रयागराज से कहें तो कनेक्ट हुआ। एंड अब हम छोड़ रहे हैं शहर। लखनऊ यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। रोड अच्छा रहा तो 3.5 से 4 घंटे में कवर करेंगे लखनऊ, और लखनऊ में ही करेंगे नाश्ता। क्योंकि लखनऊ आए और आपने कचौड़ी नहीं खाई फिर क्या फ़ायदा। सो लेट्स हेडिंग टूवर्ड्स लखनऊ। लखनऊ इज शोइंग हाउ मच, 193 किलोमीटर्स नाउ, ओके। और इलाहाबाद, आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब दिस सिटी, ओके। ये डर्टी है बट फिर भी खूबसूरत है, यू कैन कनेक्ट विद दिस सिटी। चलिए मिलते हैं रास्ते में कुछ अच्छे। और हमने वो गंगा यमुना का संगम भी देखा। आई नॉट से कि हम संगम घाट पे गए थे, हमने बाहर से ही देखा दूर से, क्योंकि घाट थोड़ी दूर था हमारे वाले रास्ते से, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। इट वुड हैव स्पॉइल्ड अनदर 2 hours ऑफ अस, सो हम निकल गए हैं ऐसे ही। बट हम जहाँ रुके थे वहाँ से घाट के दर्शन डायरेक्ट हो गए। यू कैन से कि हमने कैमरे से घाट के दर्शन कर लिए। बट यमुना बहुत चौड़ी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, और अपने आई थिंक अपने पूरे उरेज पे बहती है इलाहाबाद में गंगा, यमुना। और गंगा का साइड जो है वो हमने देखा नहीं है, बट गंगा और यमुना ठीक वहीं मिलती है जहाँ पे हमारा था, इसलिए उस होटल का नाम भी त्रिवेणी दर्शन ही है। और सरस्वती तो अब है नहीं, बट ठीक है। मोर ओवर आई विल सी यू इन द वे। देखते हैं, अभी शहर छोड़ रहे हैं हम, लेकिन सुबह सुबह 6 बजे ही काफ़ी ट्रैफिक है इस शहर। थैंक यू, सी यू अराउंड। ये बड़े प्यारे प्यारे स्टैचू देखने के लिए। फाइनली हम लोग निकल गए हैं और मॉर्निंग में ही ब्रिज पे बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। सुबह 6 बजे एंड द ब्रिज इज ब्यूटीफुल। हाँ, ब्रिज ब्यूटीफुल है, ये तो बात सही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। गेट पे लिखा था, मिस हो गया। रास्ते हैं उत्तर प्रदेश के, जा रहे हैं नवाबों के शहर लखनऊ, और रास्ते में पड़ेगा एक और खूबसूरत शहर रायबरेली। रास्ते बहुत अच्छे, मौसम बहुत अच्छा, बरसात हो रही है। इलाहाबाद से बाहर आते ही बारिश हुई। सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी तक पूरी तरह से उजाला भी नहीं हुआ है, एक्चुअली उजाला हो चुका है, बादल है। और इस वजह से जर्नी बहुत अच्छी लग रही है, एंड वी आर लिसनिंग टू ओल्ड टाइम हिट्स।
with remix version. So overall a decent journey. रास्ते I'll not say कि मतलब single route है तो थोड़ा थोड़ा बीच में breaks लग रहा है, but अगर ये रायबरेली के बाद smooth हो जाएगा, it will be a 4-lane highway. Nice. Weather is amazing. Temperature बाहर का 23 degree, which is not expected in the month of April end. May आ चुका है. 30th April. Yeah, May आ चुका है almost. और temperature अभी भी 23 degree north में. Mind blowing. इससे अच्छा क्या? Road धुल के साफ हो चुका है बरसात से. गाड़ी धुल के साफ हो चुकी है बरसात से. Well, guys. It's all over a pleasant journey. कल थोड़ा सा जितना थोड़ा hectic था उतना ही smooth है अभी तक, और मेरे ख्याल से आगे भी smooth रहेगा क्योंकि यूपी में सड़कें पूरी बन चुकी हैं लगभग. कहीं कहीं छोटा मोटा construction होगा तो होगा, देखेंगे. Thank you. हम बीच बीच में update देते रहेंगे आपको. मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है. It's raining. और ये इतने सालों में हमारी पहली रेन ट्रिप है. रेन लॉन्ग ट्रिप टैटू ऑन हाईवे. मजा आ गया. नेशनल हाईवे 30. बरसात बहुत तेज है. रेस्ट्रो तो सुंदर दिख रहा है और मॉर्निंग में ही यहाँ म्यूजिक चल रहा है. अमेजिंग. होप सो कि फूड भी अच्छा हो. इसका फेवरेट गुलाब जामुन दिख तो बहुत सुंदर रहा है. यम्मी. वाओ बहुत सुंदर लजीज दिखते हुए छोले और भटूरे, बहुत टेस्टी. और ये ऑमलेट नोरा की तो नहीं पर उसके पापा की फेवरेट. और ये बहुत ही सुंदर यहाँ की स्पेशलिटी कचौरी. मज़ा आ गया देखकर. कचौरी लास्ट में चाय कुल्हड़ वाली. ओवरऑल बहुत डिलीशियस ब्रेकफास्ट है. तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं नवाबों का शहर. मुस्कुराइए आप लखनऊ में. और ये शहर आपके चेहरे पे मुस्कान भरता है. ये शहर खूबसूरत है. शहर सकूनी. क्या सर जगह है लखनऊ. लखनऊ यहाँ के लोगों का पहनावा अच्छा है. यहाँ के लोगों का खाना अच्छा है. यहाँ के लोगों की बोली अच्छी है. इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी. Very beautiful city. शायद हम शहर एंटर ना करें और बाहर ही बाहर निकले. एंड आई एम नॉट श्योर बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेस कनेक्ट कर जाएंगे. फिर तो मजा आ जाएगा. ये है बेबी. आई डोंट नो कि ये कितना सच है बट मुझे ऐसा लग रहा है. अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा. और मुझे नींद भी आ रही है पर मैं सो गया क्योंकि मौसम इतना अच्छा है ना. हाँ धूप नहीं निकली है सुबह से. 10:30 बज चुके हैं दिन के. एंड आई हैव नॉट सीन. गार्डन सिटी हर जगह है. लखनऊ का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है. बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर. हर चीजों में आपको वो थोड़ा सा नवाबीपन दिखेगा यहाँ की. चाहे वो नाम में हो चाहे वो इमारतों में हो. जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं या बड़े अपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनके ऊपर गुंबज बनाने का ट्रेंड है जिससे थोड़ी सी वो मॉडर्न होने के साथ साथ आपको हिस्टोरिकल फीलिंग भी देते रहती है वो आर्किटेक्चर्स. और नाम खूबसूरत है चीज़ों के. यहाँ पे शहर खूबसूरत है. लोगों का पहनावा खूबसूरत. ब्यूटीफुल. हम शायद लखनऊ से बाहर ही बाहर से निकल रहे हैं निकल जाएं या वी आर ऑन द मेन हाईवे रोड. ओके
और अब हम यहाँ से निकलेंगे बरेली की तरफ। पहले हम इलाहाबाद से आए रायबरेली, रायबरेली से लखनऊ, और लखनऊ से अब बरेली, और बरेली से हम निकलेंगे। यू गाइस, आई थिंक लखनऊ जब हम छोड़ेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा खूबसूरत रास्ते आएंगे। विल शो यू, कीप ऑन कनेक्टिंग। और बाकी तो फिर रास्ते बहुत खूबसूरत है पहाड़। हल्द्वानी विल बी द लास्ट प्लेन एरिया, इसके बाद तो पहाड़ ही पहाड़ है सब तरफ। विल सी हाउ इट गोस। थोड़ी देर में मिलते हैं, ट्रैफिक बहुत है, कांट टॉक मच। क्या लिखा है? बौद्ध विहार उपवन, शांति उपवन। लोग शांति से बैठे हैं। ये एंट्रेंस है हाथी पार्क का। ओके। बाप रे, बड़ा, बहुत बड़ा, खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ, खत्म ही नहीं हो रहा है। अब 1000 हाथी है। बाबा, 2-2 मीटर की डिस्टेंस पे भी रखेगी तो समझ रही हो। ये सब जगह घूमने के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए। टायर्ड भी हो जाते हैं ना, सब जगह नहीं बोल रही, ईच ईच। तो हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं? Have you started? Yes. Okay, so अब हम हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर, हम चढ़ने वाले हैं। और ये इंडिया का आई थिंक सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, क्वाइट ए डिसेंट वन। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर, बट अब हम टूवर्ड्स आगरा। हम आगरा तक नहीं जाएंगे, हमें रास्ते में एक जगह छोड़ना पड़ेगा। एंड नाउ वी आर गोइंग ऑन द लवली एक्सप्रेसवे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सुंदर है। किसके किलो स्पीड कितनी रखनी है इस पे मिनिमम, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 120 तो कम से कम होगा। और यहाँ से आगरा 302 किलोमीटर दिखा रहा है, मुझे वहाँ तक नहीं जाना है। बीच रास्ते में एक जगह हमको एक्सप्रेसवे छोड़ना पड़ेगा, एंड विल हैव टू कम डाउन ऑन द रेगुलर हरदोई रोड। दिस इज ब्यूटीफुल। और नाइट में आगरा तो कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, बट इंडिया हैज डेवलप्ड देमसेल्फ्स इन रोड कंडीशंस वेरी ब्यूटीफुली। अभी बहुत सारे जगहों पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और नहीं पता कि कब तक होगा। ओके, बट यस, एक्सप्रेसवे स्टार्ट्स, नेक्स्ट एग्जिट 63 किलोमीटर्स अहेड। और आई डोंट नो कि स्पीड लिमिट क्या है यहाँ की, कहीं लिखा हुआ मुझे दिख नहीं रहा है कि स्पीड लिमिट क्या होगी, बट फिर भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि 90 की स्पीड, 90-100 की स्पीड तो रख ही सकते हैं इस पे, आई थिंक। कहीं लिखा नहीं है, बट दिस इज सो ब्यूटीफुल। हाँ, कार की स्पीड लिमिट लिखी हुई है। सो ये बीच वाली लेन कार की है और स्पीड लिमिट इज 100। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 100 पे सेट कर दो। ओवरटेकिंग लेन कार इज 100, बीच वाली लेन हमारी है दास्तान लेन। और ये अगर आपको ओवरटेक करना है, कम दिस साइड, कम बैक इन द सेम लेन। खूबसूरत। जहां जहां पर भी एक्सप्रेसवे बना है, एंड द न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो अभी गवर्नमेंट ने प्लान किए हैं एक्सप्रेसवे के लिए, जैसे जो मुंबई एक्सप्रेसवे अभी बना है, और अभी कुछ एक एक्सप्रेसवे जो सूरत और चेन्नई एक्सप्रेसवे बन रहा है, बैंगलोर एंड पुणे एक्सप्रेसवे बन रहा है, बैंगलोर एंड गोवा एक्सप्रेसवे बन रहा है, बैंगलोर एंड विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है। इफ दीज एक्सप्रेसवेज विल बी लाइव बाय 2025, विच इज देयर टारगेट डेट, अगर वो कर पाए तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में जिनके पास कार है दे विल प्रेफर टू गो एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम देयर कार्स। क्योंकि आप अगर इस स्पीड को मेंटेन करके विदाउट हैविंग ट्रैफिक अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, तो व्हाई विल यू लाइक टू टेक अ फ्लाइट और समथिंग। एंजॉय द राइड, एंजॉय द वे, एंजॉय इंडिया, सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। हर जगह अलग, हर चीजें अलग है, सो सीनिक।
दिस इज हाउ यू ओवरटेक. आप पहले इधर आते हैं, यू ओवरटेक सम व्हीकल एंड देन यू गेट बैक इनटू द सेम लेन. एंड योर ड्राइविंग स्पीड शुड बी 100. आई हैव सेट माय सेल्फ, आई एम क्रूजिंग ऑन 100 और पता ही नहीं चल रहा. सच ब्यूटीफुल. ओके, एक्सप्रेस वे खत्म होता है, फिर मिलते हैं जब एग्जिट करेंगे. देन आई विल शो यू हाउ डू यू एग्जिट फ्रॉम हाउ वी एग्जिटेड फ्रॉम एन एक्सप्रेस वे एंड व्हाट काइंड ऑफ अ रोड वी गॉट. ओके, आई थिंक खूबसूरत कुछ है और ये सारे पेड़ अभी नए हैं, पेड़ अभी छोटे हैं क्योंकि पूरे फ्लरिश हो जाएंगे. दिस विल लुक मोर ब्यूटिफुल क्योंकि सीनिक अराउंड और वेदर इज प्लेइंग अनदर रोल इन टू दिस रोड. रेशम आपकी टिप्पणी, आपकी टिप्पणी टिप्पणी ओके टिप्पणी. हाँ, बहुत स्मूथ रोड है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है सब कुछ, मजा आ रहा है. आप बहुत दूर तक देख सकते हैं. एकदम क्लीन है सब कुछ, तो हम लोग जल्दी से घर पहुंचेंगे इसके थ्रू. टायर्ड भी नहीं, थोड़ा सा जल्दी तो पहुंच ही जाएंगे. विल बी एबल टू कवर इट नाइसली. हेलो हेलो, साइड में देखो भुट्टे लगे हुए इधर. वाह, ये मकई का खेत है. ये जेठुआ मकई बोलते हैं इसे बिहारी भाषा में. जेठुआ मतलब जो जेठ के महीने में तैयार हो जाएगा. मकई जनरली जेठ में नहीं होता है, पर एक मकई की वैरायटी ऐसी होती है या कॉर्न की वैरायटी ऐसी होती है जो जेठ में होता है, इसलिए उसे जेठुआ मकई. जेठ एक महीना है हिंदी वाले उसमें जब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है. हम अभी शाहबाद या साहिबाबाद समथिंग कुछ है वहाँ पहुँचने वाले हैं. वहाँ से हम निकलेंगे बरेली के लिए. अभी साहिबाबाद से मेरा रास्ता कटेगा बरेली के लिए. अभी तो बहुत ज़्यादा गांव-गांव से हमें जाना पड़ रहा है. आफ्टर दैट क्या बोलते हैं, आगरा वाला जो एक्सप्रेसवे था वो हमने छोड़ा. उसके बाद फिर पूरे गांव से ही हो करके हम उत्तर प्रदेश के सिर्फ गांव-गांव से ही हम जा रहे हैं. सिंगल सड़क है. पिछले 100 किलोमीटर से आई बिलीव कि हम इसी रास्ते पर हैं, सिंगल सड़क पर. और बीच बीच में तो इतने कंजस्टेड बाजार आए हैं कि मुझे पता नहीं कि कैसे निकला. उसमें बस भी घुस रही है, ट्रक भी आ रहा है, तो पर ठीक है, कैसे भी करके निकल ही आया. इट टुक अस सो मच ऑफ टाइम देयर. लेकिन हाँ, गांव वाले रास्तों में यह है कि रास्ता भले हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड ना मिले, बट खूबसूरत बहुत मिलता है. दोनों साइड ग्रीनरी है, गाँव आ जाते हैं बीच बीच के, और कभी कभी लाइक पेड़ इतने अच्छे से, ऐसा लग रहा है कि जैसे वी आर वॉकिंग इन सम पाथवेज एंड ऑल. बहुत खूबसूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है देश को छोड़ करके. सी हाउ ब्यूटिफुल दिस ट्रीज आर. कितना सुंदर लग रहा है ऋषभ, पेड़ जैसे कवर किया हुआ है. हाँ, इट्स लाइक अ ब्रिज, इट्स अ नेचुरल ब्रिज. एंड देन बीच बीच में पलाश वलाश के पेड़ भी है. It's looking very beautiful. See yellow color. सारे colorful हैं. So beautiful it is. और फिर गांव, core गांव है ये एकदम at its core. चलिए, जैसा भी अपडेट रहेगा we'll keep you posted. अभी फिलहाल के लिए इतना ही. साहिबाबाद आता है फिर देखते हैं. I think we'll connect to some highway or something which will take us to Bareilly and then another highway which will take us to Aldwani. Okay. We'll talk to you guys in some time. हम लोग रुके हैं बीच में 11 पिज्ज़ा 11, बट कुछ खा नहीं रहे, टाइम वेस्ट होगा हमारा, तो हमने लिया है चिप्स एंड चाय. हम घर जाके अच्छा खाना खाएंगे. हम घर जाके अच्छा खाना खाएंगे. भूखे रहना चाहते हैं. हम भूखे रहना चाहते हैं. उसे चार शाम के बज रहे हैं 4:30. हम ऑलरेडी बरेली नैनीताल हाईवे पर हैं. यहाँ से घर दिखा रहा है 2 घंटा, पर मुझे लगता है कि 2 घंटे नहीं लगता क्योंकि हम ऑलरेडी कवर करते आ रहे हैं अच्छे खासे तरीके से. सबसे बुरी चीज़ है पूरे रास्ते में कि ये जो बाइक वाले हैं ये तीन तीन चार चार जने बैठ कर करके इस वाली लेन में चलते हैं, फर्स्ट लेन में, और इनको सुनाई नहीं देता. ये मजबूर करते हैं लोगों कि आप हॉर्न कीजिए. एंड आई लिटरली डोंट लाइक हॉर्निंग. शायद ही मैं बैंगलोर में वगैरह कभी करता होगा, बट
रियली बैड। पूरे यूपी में मुझे ये करते रहना पड़ा। बाइक वाले फर्स्ट लेन में चला रहे हैं और ये आपको साइड भी नहीं देंगे और इनकी स्पीड भी कम रखेंगे। बट मोर ओवर 4:30 बजे और धूप नहीं निकली आज पूरे दिन। अप्रैल के महीने में टेम्परेचर अगर बाहर का 22 डिग्री है तो आप सुरक्षित हैं, तो आप जन्नत में। अप्रैल एंड मई आ गई भाई, कल से मई में अगर टेम्परेचर 22 डिग्री है बाहर का, इट्स नाइस, वेरी 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 नाइस। ओवरऑल रास्ता अच्छा रहा, एक से डेढ़ घंटे में घर पहुंच जाना चाहिए हमें। और सुहाना मौसम, बारिश हो रही है अच्छी, धूप नहीं निकली है आज, हर जगह हल्की 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 फुहारें पड़ती ही आई है रास्ते पर। तेज बारिश इलाहाबाद से रायबरेली वाले रास्ते में हुई थी बीच में और अच्छी खासी बारिश हुई अभी, ठीक है। और ड्राइविंग भी अच्छी लग रही है। हाँ, बट लेकिन गाड़ी का सत्यानाश हो गया है बारिश की वजह से, ट्रकों के जो छींटे पड़ते हैं उसकी वजह से, इट्स ऑल स्पॉइल्ड, बट ठीक है, कल वो धुल जाएगा। तो देखते हैं बरेली और नैनीताल वाला रोड कहाँ कैसा लेके कैसा ट्रीट करता है हमें। ओवरऑल अभी तक तो अच्छा है रास्ता, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है हमें, लुकिंग नाइसर। बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बट स्मूथ इसलिए नहीं है क्योंकि बाइक वाले फर्स्ट लेन में आ जाते हैं। दे आर ड्राइविंग ऑन दिस साइड एंड दे आर नॉट अलाउिंग यू ऑल्सो टू ओवरटेक एंड ऑन एंड दे डोंट हेयर इट आउट ऑल्सो, यू हैव टू हॉन्क इट एट द एंड। दे डू नॉट अंडरस्टैंड एनी सिग्नल्स, उन्हें फ्लैश लाइट, पास लाइन्स, ये सब समझ नहीं आता है, सो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, वो उनको समझ में नहीं आता। ये आप देखिए, ये दो ऑटो वाले शानदार तरीके से हाईवे पे खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड एंटायर रास्ते में। रास्ता कितना भी अच्छा हो अगर पीपल डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स तो कैसे होगा। और ये पूरा यूपी का यही हाल है, वेरी पैथेटिक पैथेटिक पीपल अराउंड इट, नो कॉमन सेंस, कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, लिटरेसी रेट भी तो एक चैलेंज है। मोरओवर अच्छा है ओवरऑल रास्ता, अभी तक अच्छा है, बारिश अच्छी लग रही है, लेकिन शाम को 4:30 बजे अंधेरा हो चुका है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आजकल, पता नहीं 5-6 बजे तक तो शाम ही हो जाएगी पूरी खत्म। थोड़े देर में मिलते हैं गाइस, बारिश तेज। तो हम रुद्रपुर जब पहुंचेंगे, देन रुद्रपुर से इट विल बी लाइक हार्डली 10 किलोमीटर्स टू हाउस, 10-20 किलोमीटर्स टू हाउस। सो अल्मोड़ा इज 143, नैनीताल इज 107, हल्द्वानी इज 75। आवर डेस्टिनेशन इज हल्द्वानी, हम हल्द्वानी रुक जाएंगे, 75 किलोमीटर हमें और ड्राइव करना है। ओके, सी यू अराउंड। बारिश बहुत तेज है, विजिबिलिटी बहुत कम है, दिखाई नहीं दे रही कुछ चीज़ें। ओके, यू हैव टू गो स्लो, कांट ड्राइव फास्टर, बहुत स्लो विजिबिलिटी है। हम हल्द्वानी पहुंच गए और ये बहुत ही प्यारा सा मंदिर हमें दिखा है, ब्यूटीफुल। हाँ, एक साल पहले नहीं था, हाँ ये लास्ट ईयर नहीं था, ये होगा लास्ट ईयर बट शायद बन रहा होगा, हमें नहीं पता। 10-15 मिनट में फाइनली घर पहुंच जाएंगे हम लोग। या वेदर वेदर डिसेंट, वेदर तो मतलब अच्छा ही है, बट ट्रैफिक अच्छा नहीं था समवेयर इन किच्चा, इट वाज ह्यूज जैम और वजह कुछ नहीं पता कि क्यों जाम है, बस लोग रुक नहीं रहे थे। एंड इट टुक अस अराउंड 45 मिनट्स टू कम आउट ऑफ देयर। अच्छी बात यह है कि दिन रहते रहते हम हल्द्वानी पहुंच गए, 6:05 हो रहा है और हल्द्वानी आ गया है। टारगेट था यहाँ पे 5:30 तक पहुँचने का, बट किच्चा के जाम की वजह से हमारा 45 मिनट्स वहाँ वेस्ट हो गया, बट कोई बात नहीं, वी हैव रीच्ड हियर। हार्डली 2 किलोमीटर्स है हमारा घर अब यहाँ से, बट हम खाली हाथ घर नहीं जा रहे हैं, तो हमें पहले कुछ खरीदना है। मिष्ठान भंडार से जाके, मिष्ठान खरीदी जाएगी, बंगाली मिठाई, और उसके बाद गृह प्रवेश किया जाएगा। बट रेशम कह रही है कि उसको लड्डू खाने हैं, तो लड्डू भी ले लेंगे थोड़े थोड़े, चलो देखेंगे।
क्या क्या मिलता है सुखीजा में। मैं मखीजा बोलने वाला था। हाँ, हमेशा की तरह। अरे मखीजा डॉक्टर थे ना हमारे, उनके मेरे क्लाइंट थे वो एक टाइम कॉलेज, तो इसीलिए उन्हीं उन्हीं की याद आ जाती है। तो सुखीजा जाएंगे, सुखीजा के बेहतरीन मिठाई खरीदी जाएगी और घर आ जाएंगे। फाइनली हम लोग पहुंच गए सुखीजा स्वीट्स लड्डू लेने के लिए, और बहुत ट्रैफिक है तो कार पार्क की है बीच में ही, यहाँ पार्किंग नहीं है, कोई भी अभी बोल सकता है तो इसलिए उतर के नहीं जा पाए। पापा जल्दी से लेकर आएंगे नरेश के लड्डू। लड्डू घर की गली में घुसते हुए फाइनली शाम हो गई। हाँ, 6:41 बट हम मिष्ठान खरीदने चले गए। हाँ, इसलिए हो गई, नहीं तो शायद हम थोड़े और जल्दी पहुंच जाते। हाँ, 10 मिनट 6 बजे तक हम पहले 6:15 तक हम पहुंच जाते, फिर हमने रास्ते में तेल भी भरवा लिया अपनी टंकी फुल करवा ली कल कहीं और का भी प्लान है। तो इस प्रकार हमने आधा घंटा शहर में बर्बाद किया। ये हमारे घर की काम करती हुई गृहिणियां हैं दो, हमारे घर में सिवई बन रही है आज, चाय, नोरेस का दूध, ऑमलेट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नोरे बहुत मजा आ रहा मुझे आमिश के साथ, और आमिश सुबह सुबह तैयार होके आ गया है क्योंकि इसका व्लॉग बनेगा। पूरा बना रहे हो? पूरा बनाओ, वीडियो बनाओ। आजकल वैसे बहुत ही टेस्टी खस्ता बना रहे हैं हमारा, खस्ता कचौरी, और ये रामनगर की स्पेशलिटी है। मजा आ गया। ये वाला सीन ज्यादा अच्छा है। ये होता है ब्रेकफास्ट में, इसे प्लेट पे रखना चाहिए था, है ना? बहुत ही डिलीशियस यम्मी घर की मलाई है। वाह, खा के दिखाइए और बताइए। डिलीशियस। ये नहीं खाएगा। घर पे आने का मजा है। नोरेस फोन को खाना खिलाते हुए।